अब देखिए सामने जो फ्लैग वाला बिल्डिंग है ये हमारे यहाँ का राजा का पैलेस था, किंग का पैलेस। अच्छा। उसके बाजू में जो अम्ब्रेला वाला है ये क्वीन का पैलेस था। क्वीन का पैलेस। तो किंग पैलेस और क्वीन पैलेस, लेकिन अभी पैलेस नहीं होकर म्यूजियम बन चुके हैं, सिटी पैलेस म्यूजियम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दिखाने वाले हैं जैसलमेर का सुप्रसिद्ध म्यूजियम, जो कि पुराने टाइम पर महाराजा महल हुआ करता था। यहाँ पर जो किंग हुआ करते थे जैसलमेर के, वो यहाँ रहा करते थे। अब इसको म्यूजियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है। इसके अंदर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि हमें देखनी चाहिए, तो चलिए म्यूजियम की तरफ चलते हैं। तो ये है म्यूजियम का मुख्य द्वार, जहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। म्यूजियम का ओपनिंग टाइम सीजन वाइज वेरी करता है। अगर आप यहां पर गर्मियों में आते हैं तो सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक म्यूजियम खुला रहता है। अगर आप यहां पर विंटर्स में आते हैं तो यहां पर सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक म्यूजियम खुला रहता है। अभी हम जैसलमेर फोर्ट के मेन पैलेस में पहुँच चुके हैं और जस्ट अभी हमने ये टिकट लिया है जो आप देख रहे हैं। इसमें पर पर्सन के हिसाब से 100 रुपये लगते हैं एक आदमी का। अगर आप इसमें फोटोग्राफी करना चाहें तो उसका ये अलग चार्ज लेते हैं, जिसका 150 चार्ज है। पर कैमरे का हो या फिर मोबाइल का हो, किसी से भी आप लेंगे 150 चार्ज लगता है। तो 100 रुपये फॉर द एंट्री एंड 150 फॉर द कैमरा। एंट्री टिकट लेने के बाद हमें इस रास्ते से ऊपर की ओर जाना होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने नज़र आता है। आप देख सकते हैं कि जैसलमेर की बहुत ही सुंदर पत्थर के ऊपर नक्काशी की गई है। ऐसा आपको आर्किटेक्चर कार्विंग राजस्थान के किसी भी जिले में ऐसा काम नहीं मिलेगा। और ये बहुत बारीक काम है। ये भी पूरा इंटरलॉक किया गया है। तो दोनों साइड में आप देख रहे हैं विंडो की टाइप के, इसको हम बोलते हैं जाली वर्क, लाटिस वर्क। देखिए बहुत ही सुंदर स्टोन के ऊपर काम किया गया, वो भी इंटरलॉकिंग के साथ में। तो चलिए अब यहाँ से प्रवेश करते हैं शस्त्रालय में, जिसे आर्मरी भी कहा जाता है। यहाँ पर रखे हैं विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र। ये पैलेस का मेन रूम है और इसमें जितने भी रॉयल फैमिली के सोल्जर लोग थे, सैनिक लोग थे, उनके द्वारा जो भी यूज किए गए शस्त्र है उनका यहाँ पर कलेक्शन रखा गया है, वो भी बिटवीन 17 से 19 सेंचुरी के बीच में। अब देखिए हमारे यहाँ पर इस शस्त्रालय में जो मेन चीज है, मेन यानी शस्त्र है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुकरी है। तो एक्चुअल में कुकरी हमारे यहाँ से बिलोंग नहीं करता है, वो बिलोंग करता है नेपाल से। उसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ की जो महारानी साहिबा है वो नेपाल की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वहाँ का आइटम एज ए गिफ्ट के रूप में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर रखा गया है। शस्त्रागार में रखे हैं कई सारे पुराने वेपन्स, जो कि पुराने टाइम पर युद्ध के दौरान उपयोग में लिए जाते थे, जैसे कि कई सारी तलवारें, कई सारे भाले और भी बहुत कुछ। राजा महाराजा के तलवारें, उनके सैनिक लोगों के, उनके सैनिक लोगों के। राजा की तलवार हमेशा उनके राज सिंहासन के ऊपर होती है। अच्छा जी हाँ। ये देखिए हमारे यहाँ की बहुत ही स्पेशल गन है, इसको हम कहते हैं कैमल गन या फिर टोपीदार बंदूक। एक्चुअल में इतना लंबा क्यों बनाया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैमल के अलावा कोई दूसरा पशु नहीं था। जैसे हम घोड़े के ऊपर बैठ कर लड़ाई कर सकते हैं तो बड़ा ईजी बैलेंस रहता है, लेकिन कैमल के ऊपर बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है लड़ाइयों के टाइम में। इसलिए क्या करते थे कि दो सोल्जर, दो सैनिक कैमल के ऊपर बैठते थे, आगे वाले के शोल्डर पे कंधे पे रख के फिर पीछे वाला इसको शूट करता, ताकि बैलेंस खराब नहीं हो। तो ये इसकी खास बात है, विशेषता है। जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर देखेंगे कुछ घोड़ों के चाबुक है यहाँ पर, जिसमें आप बीच में देख सकते हैं जो व्हाइट रंग का है, ये है कैमल बोन का बना है। कैमल बोन का, ऊंट की हड्डी से बनाया गया है इसको। और ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये कैमल का रस्सी है, कैमल के नाक में ही रस्सी होता है, फिर इसी को पकड़ते हुए कैमल ड्राइवर आपको कैमल सफारी कराता है। अच्छा जी हाँ, इसको लोकल भाषा में मोहरी कहते हैं। जी हाँ। और दूसरा आप देखेंगे बहुत खास चीजें हैं यहाँ पर। कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये अनाउंसमेंट करने का है, लेकिन वो चीज नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम कहते हैं गन पाउडर का कुप्पी। गन पाउडर, हाँ कहने का, हाँ कहने का मतलब ये है कि कैनन में अगर बारूद को भरना हो तो उसके लिए विशेष पात्र बनते थे, या फिर लकड़ी के या फिर लेदर के। तो ये सब वही पात्र है। पहले इसमें गन पाउडर को, बारूद को भरने के बाद में उसके बाद में ले जाकर कैनन के अंदर में खाली करते थे। हाँ, तो ये कुछ ऐसी व्यवस्था है, कुछ सिस्टम बने हुए थे, और या फिर लकड़ी के या फिर लेदर के होते हैं ये। अब हम प्रवेश करेंगे दीवान खाना, ठीक है ना। इसके अंदर में हमारे यहाँ के राज परिवार का जो मेन सिंहासन है, जो चांदी से बनाया गया है, वो यहाँ पर रखा गया है। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है दीवान खाना में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ की रॉयल फैमिली का जो मेन सिंहासन होता है वो पूरा सिल्वर का, चांदी का बना हुआ है, और सामने जो देख रहे हैं ये वही सिंहासन है। तो आज भी हमारे यहाँ पर कोई भी विशेष काम होता है राज परिवार का, वो लोग इसी सिंहासन को यूज करते हैं। तो कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पर प्रेजेंट किंग का, कुछ महीने पहले प्रेजेंट किंग का डेथ हुआ था, तो उसके बाद जो उनके बड़े लड़के हैं उनका राज सिंहासन किया गया, यानी कि राज तिलक किया गया, वो इसी सिंहासन पे बैठ के किया गया था कुछ महीने पहले।
तो अभी के जो प्रेजेंट किंग है उनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। जी हाँ, अब आपके पीछे देखेंगे जो कुछ महीने पहले जिन प्रेजेंट किंग का डेथ हुआ था, वो जब 13-14 वर्ष की अवस्था थी, उस समय उनका राज तिलक किया गया था, और जिस कुर्सी या सिंहासन में बैठे हैं वो सामने वाला सिंहासन है और पूरा सिल्वर के बनाए गए हैं, और दोनों साइड में आप जो चेयर देख रहे हैं वो भी पूरा चांदी से निर्मित है। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की ओर जाना होता है। ऊपर पहुँचते ही बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने नजर आता है। अब हम त्रिपोलिया में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे राजाओं की फोटोग्राफ है, यहाँ पर फोटो लगी हुई है। तो जो जैसलमेर के फर्स्ट किंग थे, जिन्होंने शहर को, उस किले को बनाया था, उनका नाम था जैसल सिंह भाटी। तो ये उनका जैसे इमेजिन किया गया, ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, क्योंकि उसमें कैमरा इस टाइप की व्यवस्था हमारे पास में नहीं थी। तो 1156 से लेकर 1167 तक जैसल सिंह भाटी ने इस जैसलमेर शहर पर किले पर राज किया था। जी हाँ, तो ये सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट है राजस्थान का, और इसको एंटिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जोधपुर का, जी हाँ, जोधपुर, उदयपुर, बाकी जो सिटी है वो काफ़ी बाद के हैं। तो ये काफ़ी पुराना शहर है चित्तौड़ के बाद में। सामने आप देखेंगे काफ़ी सारे गोल पत्थर रखे गए हैं, राउंड पत्थर। इनको हम बोलते हैं कैनन बॉल, तोप के गोले बोलते हैं। कैनन में तोप में यूज़ नहीं करते, केवल नाम दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, क्योंकि जब भी शत्रु अगर दरवाजे को तोड़ने में या किले के अंदर प्रवेश करने में सफलता नहीं मिल रही हो, वो कोशिश करते थे कि दीवारों के सारे ऊपर चढ़कर किले के ऊपर कब्जा करें या फिर कैप्चर करें। तब हमारे सैनिक लोग इन पत्थरों को उनके ऊपर जस्ट थ्रो करते थे, लुढ़काते थे, ताकि वो ऊपर ना आ पाए, बीच में ही खत्म हो जाए, बीच में ही मर जाए। इसके अलावा बाहर की तरफ में नालियां बनाई गई थी पत्थर की। देखिए सामने दिख रहा है जो होल है बीच में इन पत्थरों के नीचे, वहां से दुश्मन के ऊपर में गर्म पानी, गर्म तेल भी फेंकते थे। अच्छा। तो ये चीजें केवल इमरजेंसी में ही काम में लेते थे। अच्छा। तो जितने भी उनके वंश के जो राजा हुए हैं, उन सभी का फोटोग्राफ यहाँ पर लगाया गया है। हाँ, लकड़ी का है पूरा, पहले के जमाने में लकड़ी ही होता था हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पर ट्री है। वो क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज अपने आप को मानते हैं, इसलिए हम इनको यदुवंशी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान लॉर्ड कृष्णा का सबसे टॉप में नाम दिया गया है, और उसके बाद में जो जैसलमेर स्टार है वो यहाँ से दिया गया है। यानी कि जो फर्स्ट किंग थे हमारे यहाँ के जैसल देव जी, वो भगवान श्री कृष्ण के 116वीं पीढ़ी के थे, तो इसलिए हम लोग उनको, रॉयल फैमिली को हमारे यहाँ के जो है उनको यदुवंशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करने जा रहे हैं गज विलास में। इस हॉल को हम बोलते हैं गज विलास। राजा गज सिंह हुए थे हमारे यहाँ पर, और कहते हैं कि उनको नाच गाने का बहुत शौक था, और इसलिए क्या है कि ये जो आप हॉल देख रहे हैं या सेंटर का जो, जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, यहाँ पर जितनी भी डांसिंग लेडीज होती थी, डांस करने वाली, वो यहाँ पर मुजरा करते थे। तो ये मुजरा करने का स्थान था पहले ये। और सामने की जो साइड देख रहे हैं, उस साइड में या फिर राइट साइड में, दोनों जगह पर राजाओं के खास लोग, वो लोग बैठ कर इस मुजरे का आनंद लुत्फ लेते थे। महिलाओं को पुरुषों के साथ में ज्वाइन करने का अधिकार या राइट्स नहीं थे, क्योंकि पर्दा पड़ता था इसीलिए। तो आप देख सकते हैं सामने बहुत ही सुंदर बालकनी बना हुआ है, वहाँ से महिलाएं लोग आराम से ऊपर से बैठ के नीचे के मुजरे का आनंद लेती थी वो लोग। और सामने देखेंगे जो बहुत ही सुंदर झरोखा बना है, जिसके अंदर में कांच है, इसके अंदर में छोटा सा चांदी का बेड है। राजा लोग वहाँ पर लेट कर, बड़े बड़े पिलो लगा के राउंड शेप वाले, वहाँ से लेट कर इस मुजरे को देखते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर नाच गाने का, मुजरे का कार्यक्रम यहाँ पर चलते थे। जी हाँ, इसी के साथ गज विलास में काफ़ी सारे पुराने फोटो फ्रेम्स हैं, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आप पालकी देख रहे हैं, ये लकड़ी के ऊपर चांदी का परत चढ़ाया हुआ है, और ये जो पालकी है महिलाओं के लिए, रानियों के लिए पालकी नहीं थी, क्योंकि महिलाओं के लिए रानी का जो पालकी होता है हमेशा ऊपर से कवर्ड होता है, बंद होता है। ये पालकी राजाओं के, राजकुमारों के लिए या फिर उनके मेहमानों के लिए यूज़ में ली जाती थी, तो ये महिलाओं के लिए नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए महल में जो रास्ते हैं वो काफ़ी घुमावदार हैं, काफ़ी घुमावदार रास्तों को पार करके हमें ऊपर की ओर जाना होता है। तो अब यहाँ से हम प्रवेश करने जा रहे हैं मूर्ति कक्ष में। देखिए आप जो ये मूर्तियाँ देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं, और जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं नियरली 15 सेंचुरी के आसपास की बनाई गई है। और इन मूर्तियों को हमारे यहाँ के जो जैन लोग थे, जो काफ़ी अच्छे व्यापारी थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से भेंट के रूप में यहाँ की रॉयल फैमिली को दिया गया है। और जितनी भी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं सिंगल सिंगल पीस स्टोन के ऊपर बनाई गई है, और कुछ इसमें विशेष मूर्तियाँ हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बीच में, देखिए आप, ये है भगवान श्री राम का स्टैचू बना है, मूर्ति बना है,
और कुछ लोगों ने शायद पहली बार देखा है कि भगवान श्री राम दाढ़ी में दिखाए गए हैं, और काफी सारे ऐसे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और वो ऐसा मानते हैं कि भगवान श्री राम दाढ़ी में नहीं होने चाहिए। ये हमारा एक्सपीरियंस इतने सालों का, लोग बिल्कुल बिलीव नहीं करते। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास में निकाले हैं, दाढ़ी तो बड़े होकर नेचुरल चीज़ है। ये केवल हमने टेलीविजन में मूवीज के अंदर में देखा है कि भगवान के हमेशा क्लीन शेव होता है, तो इसलिए मूर्तिकार की जो सोच थी एकदम सही सोच थी कि उसने दाढ़ी में ही भगवान श्री राम को बताया गया है। ये हमारे यहाँ का थोड़ा स्पेशल यूनिक मूर्ति है भगवान श्री राम का। मूर्ति कक्ष के निकट ही कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जो कि यहाँ पर रखी हुई हैं, जैसे कि पुरानी छतरियाँ जो कि छाया करने के लिए उपयोग में ली जाती थीं। यहाँ से बाहर निकलते ही महल के अंदर का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमारे सामने आता है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रास्ते बहुत ही घुमावदार हैं, इन्हीं घुमावदार रास्तों को फॉलो करते हुए हमें ऊपर की ओर जाना होता है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही सुंदर दीवाने आम बनाया गया है। जितने भी पैलेसेस होते हैं उनमें दीवाने खास और दीवाने आम बहुत ही मुख्य रूम होते हैं। तो ये दीवाने आम है, लाइक ए पब्लिक कोर्ट। जो आप यहाँ पर दरवाजे देख रहे हैं, पहले यहाँ पर ये पूरा ओपन चौक था, सामने देखिए देख सकता है यहाँ से आराम से, तो ओपन कोर्ट यार्ड है। तो यहाँ पर जितने भी फरियादी लोग होते थे, आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर बैठती थी, और जैसे ही उनके नंबर आते थे अपने वन बाई वन के हिसाब से आते थे और अपनी समस्याओं को बोलते थे, यहाँ पर रखते थे यहाँ पर। जी हाँ, राजा की अनुपस्थिति में दीवान साहब करते थे। जी हाँ, इनको हम जाली कहते हैं। जी हाँ, जाली वर्क। देखिए बहुत ही सुंदर विंडो बनाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, पहले ओपन था ये, फिर इसको बनाया गया पत्थर का है। हाँ जी, पूरा ये पत्थर का बनाया गया है, ऊपर से लकड़ी का पॉलिश किया गया है, वुडन पॉलिश, और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर काम है। तो हमारे जैसलमेर का आर्किटेक्चर कार्विंग बहुत ही सुंदर है। इससे भी बढ़िया वर्क देखिए आप यहाँ पर, इसको देखिए आप। हाँ, तो चलिए अब महल में और ऊपर चलते हैं, जहाँ से हमें पूरा का पूरा जैसलमेर शहर एक साथ नजर आएगा। आप देख सकते हैं अभी हम सिटी के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ से पूरी सिटी का जो नज़ारा आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। तो ये हमारा गोल्डन सिटी है, और कोई भी बिल्डिंग देख सकते हैं या कोई भी घर आप देख सकते हैं, किसी भी अदर कलर से नहीं है, अदर पत्थर से नहीं है, जैसलमेर के पीले पत्थर से ही पूरा शहर बनाया गया है। तो ये जो आप शहर देख रहे हैं, केवल इतना ही शहर है हमारा, और 10 किलोमीटर के एरिए में पूरा शहर बसाया गया है। अच्छा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जी हाँ, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, 38,401 स्क्वायर किलोमीटर। तो काफ़ी सारा बंजर जमीन है हमारे यहाँ पर, जहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, और खेती के नाम मात्र का कुछ फसलें ही यहाँ पर होती है, और बाकी सब यहाँ पर खाली है। तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं मेरे सामने की साइड में, जहाँ पर कुछ मंदिर भी आप देख रहे हैं, ये पूरा जैसलमेर फोर्ट के ब्राह्मण क्षेत्र का एरिया है, जहाँ पर कुछ जैन मंदिर है, कुछ हिंदू मंदिर है, और साथ में कुछ होटलें भी बनाई गई हैं यहाँ पर स्टे करने का। और सामने देखिए काफ़ी, यहाँ से काफ़ी दूर में देखिए पानी का तालाब है एक, इसको हम बोलते हैं गड़ीसर झील या गड़ीसर तालाब। तो पहले के ज़माने का मेन जो पानी का सोर्स था जैसलमेर शहर का पूरा, वो गड़ीसर तालाब से ही हमको मिलता था। तो यहाँ से महिलाएं लोग इतनी दूर, यानी 2-2.5 किलोमीटर दूर तक जाती थी, और वहाँ से पानी भर के फिर किले में आती थी। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर पानी की काफ़ी सहूलियत है, क्योंकि पानी जो अभी हमको मिलता है वो मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल से, पंजाब डैम से। तो अब पीने का पानी का कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। और ये देख सकते हैं सामने आप, ये किले का सेकंड पार्ट है, जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय पार्ट, राजपूत पार्ट। तो यहाँ पर सारे लोग रहते भी है, साथ में होटल्स भी है, रेस्टोरेंट भी है, सभी चीज़ एक साथ में चल रहा है। और ये जो फ्लैग देख रहे हैं, ये रॉयल फैमिली का अपना पर्सनल फ्लैग है, रॉयल फैमिली का। जी हाँ, तो अब हम पैलेस के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आ चुके हैं सर्वोत्तम विलास में। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रूम है, और इस रूम की खास बात यह है कि सामने आप जो ड्रेस देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर एक किंग हुए थे, उनका नाम था शालिवाहन सिंह जी। उनकी कहते हैं कि जो हाइट था वो था 7.5 फीट का, लेकिन जो उनका वेट था वो इतना कंफर्म श्योर नहीं है कि 180 से 200 किलो था या फिर 200 से भी अबव था, लेकिन ये श्योर है कि 180-170 के आसपास उनका वेट था। तो ये उनका नाइट गाउन है रात को पहनने का। तो ये इस रूम की खास बात है शालिवाहन सिंह जी की। और साथ में देखिए आप सिल्वर के पूरे यहाँ पर सोफा है, स्टूल है, उनके एक्सरसाइज के डंबल्स देखिए आप, तो इस तरीके से उनका ये पूरा रूम बताया गया है। लेकिन इसको हम रेस्ट रूम कहते हैं शालिवाहन सिंह जी का, ना कि बेडरूम। छत ये पूरा लकड़ी का है, उस ऊपर से इन्होंने क्या है कि जो ब्लू रंग का टाइल्स देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं डच टाइल्स। हाँ, डच यानी जो हॉलैंड कंट्री है वहाँ से लाई गई है आपके
ये श्योर नहीं कि इसका ओरिजिनल है या कॉपी है इसका। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं रानी के महल में, और आपके पीछे देखिए बहुत ही सुंदर छतरी बनाया गया है और आपके पास में भी है। तो ये वो स्थान है जहाँ पर रानियाँ अपने खाली समय का उपयोग करती थी बाहर के व्यू के लिए और आराम यहाँ पर फरमाने के लिए। इनके लिए बहुत ही सुंदर छतरियाँ बनाई गई है। देखिए हमारे यहाँ पर रानी के महल में आपको किसी भी तरह का कोई भी रानी का मूर्ति या फोटो नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा कारण या मेन कारण हम एक ही मान सकते हैं कि मुगल इन्फ्लुएंस के बाद में जब पर्दा पड़ता है तो वो सिस्टम क्या जो रानी का था ओपन वे में उसको बंद कर दिया गया। तो ये आप जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये है माता गणगौर का शाही मूर्ति है। गणगौर मतलब माता गौरी माता पार्वती। तो राजस्थान के अंदर में होली के बाद में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल आता है जिसको हम बोलते हैं गणगौर फेस्टिवल। ये केवल लेडीज फेस्टिवल है और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं इस गणगौर फेस्टिवल के लास्ट डे तिथि के हिसाब से जब मेला भरता है पानी के तालाब के पास में तो उस समय ये मूर्ति रॉयल फैमिली की तरफ से बाहर जाएगा और वो लोग अपनी तरफ से पूजा पाठ करते हैं इस मूर्ति का और वापस अपने यथास्थान पर इसको विराजमान करते हैं। तो ये जो मूर्ति बना है सैंडलवुड का बनाया गया है, चंदन की लकड़ी का। अच्छा। और पीछे आप जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, देखिए पहले के जमाने का गणगौर का सवारी निकल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि एलिफेंट के ऊपर में रॉयल फैमिली जा रहा है और सेंटर के अंदर में जो लेडीज ने अपने सर के ऊपर में मूर्ति को कैरी कर रखा है। लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम अलग है, रॉयल फैमिली या तो अपने गाड़ी पे आते हैं पर्सनल कार में या फिर घोड़े के ऊपर बैठ के आते हैं। तो गणगौर फेस्टिवल हमारे राजस्थान का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है स्पेशली फॉर द लेडीज। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो किला बना है एक ट्रायंगल माउंटेन में बनाया है त्रिकुट पहाड़ी पे, तो उसी से में देख सकते हैं आप किले का मॉडल बनाया गया है। तो रिसेंटली हमारे यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट है उन लोगों ने ये मॉडल बना के रॉयल फैमिली को अपनी तरह से भेंट किया है। तो सबसे पहले ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, इसको हम कहते हैं अखे पोल, लेकिन टाइम के हिसाब से सबसे लास्ट गेट है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, ये सूरज पोल नंबर सेकंड गेट, फिर हम लेफ्ट टर्न लेंगे, उसके बाद में गणेश पोल आएगा, फिर सामने स्ट्रेट में आएगा हवा पोल, चार गेट है। ये यहाँ का मेन स्क्वायर है, मेन चौक है, इसको हम बोलते हैं दशहरा चौक। ये माता चामुंडा का मंदिर है और यहाँ से हमने फोर्ट में पैलेस में एंट्री किया। ये है सबसे टॉप व्यू जहाँ से हमने अभी हमने व्यू का फोटो लिया था। अभी हम यहाँ से उतर के ऐसे इस तरीके से हम वापस बाहर आएंगे और वापस यहाँ पर आएंगे। तो ये ब्राह्मण पार्ट हो गया, ये क्षत्रिय पार्ट हो गया। तो एकदम इंडिया के मैप की तरह लग रहा है लेकिन इंडिया का मैप नहीं है पूरा, ये जैसलमेर फोर्ट का मॉडल है ये। और जो भी आप देख रहे हैं ये सारा, इसको हम कहते हैं वॉचिंग टावर। तो अराउंड द 499 टावर्स यहाँ पर बनाए गए हैं जिसमें रिसेंटली अभी काफ़ी सारे होटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है इसको। ये छोटा सा क्वीन अपार्टमेंट है, जो भी रानियाँ महारानियाँ होती थी वो अपनी फैमिली वालों के साथ में या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में आकर जस्ट गेम खेलने के लिए टाइम पास करती थी यहाँ पर। तो आप जो गेम देख रहे हैं इस गेम को हम बोलते हैं गंजीफा, गंजीफा जी हाँ। और एक्चुअल में क्या है कि ये पर्शियन गेम है, पर्शियन से निकला हुआ है। और पहले के ज़माने में 120 कार्ड्स इस गेम को खेलते थे, अभी फिलहाल कुछ जगह पर 96 कार्ड से प्ले करते हैं और कुछ जगह पर 48 कार्ड से प्ले करते हैं। और सामने देखेंगे बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना हुआ है, ये जैसलमेर के फेमस लवर्स थे और इन पेंटिंग का, इस पेंटिंग का नाम है मूमल और महेंद्रा पेंटिंग जी हाँ। ये लोधरवा की राजकुमारी थी, लोधरवा हमारी जैसलमेर से 16 किलोमीटर दूर है ऑन द वे ऑफ द डेजर्ट। और ये था अमरकोट का रहने वाला महेंद्र, और कहते हैं कि इनका लास्ट मोमेंट पे मिलन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी हमारे यहाँ पर क्या जैसे में सिस्टम है कि पिछले 30 सालों से एक फेस्टिवल होता है, उसका नाम है डेजर्ट फेस्टिवल, फरवरी के महीने में होता है और इनके नाम का एक कंपटीशन रखते हैं मूमल महिंद्रा कंपटीशन, जो बेस्ट कपल होता है ट्रेडिशनल ड्रेस में, ज्वेलरी में, टर्बन में, साफे में जो भी, तो उसको टूरिज्म डिपार्टमेंट प्राइज भी देता है। तो मूमल महिंद्रा के नाम से ये फेमस लवर्स थे ये। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट पर हमने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें हमने हर चीज़ को डिटेल में दर्शाया है, अगर आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप जैसलमेर फोर्ट को अच्छे से देख सकते हैं। देखिए हमारे इस किले के अंदर में एकमात्र जो गुप्त रास्ता है वो ये वाला आप देख सकते हैं, एक टाइप का सुरंग भी बोल सकते हैं। तो इमरजेंसी में महिलाओं को छोटे बच्चों को बाहर निकालने के रास्ते भी है ये, लेकिन अभी इसको फोटो आर्ट गैलरी के रूप में कन्वर्ट किया गया है। कि आपके राइट साइड में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ओल्ड फोटोज़ हैं हमारे यहाँ के और लेफ्ट साइड में सारे नए फोटोज़ हैं। तो फोटो के माध्यम से बताया गया है कि कैसा जैसलमेर चेंज हुआ है समय के हिसाब से। इसमें देखिए सबसे लेटेस्ट फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ का दशहरा फेस्टिवल का फोटो है, रिसेंटली कुछ साल पहले का फोटो है। देखिए मार्बल का चेयर के ऊपर बैठे हैं जो मैंने आपको बाहर दिखाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आज भी फेस्टिवल के टाइम में, दशहरे के टाइम में ऐसा ही सेलिब्रेशन होता है। ये हमारे यहाँ का गणगौर फेस्टिवल, जो अभी हाल ही में आपने ऊपर में जो माता जी का मूर्ति देखा
तो गणगौर फेस्टिवल का लास्ट डे जब मेला भरता है उस समय का ये पिक्चर है ये। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं अभी हमने जो देखा ना ऊपर रूम के अंदर में, वही मूर्ति है। राजा लोग तिलक पूजा कर रहे हैं पानी के तालाब के पास में, और तिलक पूजा करके वापिस अपने यथास्थान पे माता जी की मूर्ति को विराजमान करते हैं इसी पैलेस के अंदर में। और ये यहाँ का अबैंडन विलेज कहते हैं, कुलधरा इसका नाम है। कहते हैं कि एक ही रात में 84 गांव और ढाणियां खाली करके यहाँ के पालीवाल जो ब्राह्मण थे एक ही रात में खाली करके चले गए, और किसी को भी नहीं पता कि वो लोग आज तक कहाँ गए हैं। लेकिन मीडिया ने इसको हॉन्टेड विलेज के नाम से बता रखा है, लेकिन ऐसा हॉन्टेड विलेज ये नहीं है। तो शहर से 16 दूर ऑन द वे ऑफ द डेजर्ट के रास्ते में आता है कुलधरा विलेज। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब हम महल में ऊपर की ओर देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हमें नजर आता है। तो चलिए अब महल के निकास द्वार की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ लोकल आर्टिस्ट बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति देते हुए नजर आते हैं। तो ये है किंग एंड क्वीन पैलेस म्यूजियम जैसलमेर। अगर आप जैसलमेर फोर्ट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप जैसलमेर दुर्ग को अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था जैसलमेर का म्यूजियम। अगर आप कभी जैसलमेर आए तो यहाँ जरूर आइएगा, ये दुर्ग के अंदर स्थित एक म्यूजियम है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।